जो यूक्रेन है वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, तो बच्चों को यूक्रेन से पोलैंड या फिर रोमानिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय इवैक्यूएशन, जिससे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस आ सकें। तो हम लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से सिटी से यूक्रेन की हम लोग बस से ट्रेवल किया था रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स पे। वहाँ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी कि इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बच्चे दब रहे थे, सफोकेट हो रहे थे, और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि पानी ना मिलने की वजह से मेरे मुँह से मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फिर बच्चे लाइन में लग रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, सबको ही जाना है, और 2000-3000 की क्वांटिटीज़ में बच्चे इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा था कि क्योंकि गेट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुला, 2 मिनट के लिए खुला, फिर 20 मिनट्स के लिए बंद कर रहे थे, और बच्चे इतना परेशान हो गए थे कि वो लाइन में लगे आगे पहुँचने के बाद भी बैकआउट हो रहे थे कि अपने अपने जाके जगह बैठ जाएँ। मैं भी 3rd-4th टाइम के बाद जाके गेट के तक पहुँची, मतलब टफ इतनी सिचुएशन बन गई थी कि हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने देश वापस जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि खाना थोड़ा था, पानी कम था, और बच्चे इतने बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो बच्चे पहले थे उनके साथ और कंट्रीज़ के बच्चे भी ऐड ऑन होते जा रहे थे, मतलब जितने बच्चे बाहर जा रहे थे उसके रेशियो से ज़्यादा बच्चे और आ रहे थे, जिससे कि जो पॉपुलेशन थी और जो सफोकेशन ऑफ एरिया था वो बढ़ता जा रहा था। अब मैं ये बोलना चाहूँगी जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वो अपनी हिम्मत ना हारें, क्योंकि मैंने भी 3री-4थी बार सोच लिया था कि अब लाइन से नहीं निकलना, क्योंकि निकल गए तो फिर पता नहीं हम लोग कब वापस जाएंगे। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जो जो बच्चे अभी भी शेल्टर में हैं या फिर जो जो अभी भी बॉर्डर पे हैं वो अपनी उम्मीद ना छोड़े। आप ठीक है, समझती हूँ पानी और खाने की कमी है, लेकिन भगवान पर भरोसा कर दिए और लाइन में लगे रहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत 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 डरावना था मंसर, बस जी, मतलब ऐसा दो पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि हम ही इंडियन आर्मी हैं, हम ही आर्मी कंटिजेंट हैं जो इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये एडवाइजरी मिली गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि आप जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बॉर्डर पे जा रहे हैं उस पे आगे पीछे लेफ्ट साइड इंडिया का झंडा लगाइए, जिससे कि रशियन गवर्नमेंट अगर देखती भी है ऊपर से या जो भी हमें ऊपर से नज़र रखती है कि वो हमको झंडा दे के आगे जाने दे, क्योंकि उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही थी कि आप अपने फ्लैग्स लगाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट पे तो आपको वो आगे जाने के लिए सपोर्ट करेंगे, क्योंकि